ये जो अलामत है आमतौर पे जो है हमारे माशरे में तो इसको एहसास कमतरी कहा जाता है, लेकिन ये असल में जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना कई नफसियाती जो है बीमारियों में जो है ना वो जाहिर हो सकता है, लेकिन इसका असल में जो ज्यादातर जो है सिम्टम जो है ये डिप्रेशन के सिम्टम है। उसमें क्या होता है कि लोग अननेसेसरीली भी जो है ना अपने आप को गिल्टी, यानी एक तो अप्रोप्रिएट गिल्ट होना तो अच्छी बात है, वो इन अप्रोप्रिएटली अपने आप को गिल्टी समझते हैं। उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उनकी शख्सियत जो है वो एक कमजोर शख्सियत होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो मतलब जो कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ लोग हर काम को बहुत आराम से अपने तौर पे कर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं उनके लिए कोई भी काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, हमेशा वो दे ऑलवेज लुक फॉर द हेल्प। तो असल में जो है ये इसका ताल्लुक जो है इनकी मतलब शख्सियत से है, जो कि एक तो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो सकती है, दूसरा इवेल्युएट करने की जरूरत होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिप्रेशन के जो है वो बीमारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है दो ही वजह होती है मेन, या तो उनकी शख्सियत का हिस्सा होती है या फिर वो जो है ना डिप्रेशन की वजह से जो है ना अपना जो है वो एतमाद जो है ना वो खोने लग जाते हैं। तो इसका ताल्लुक उस खाली इससे नहीं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी से नहीं, लेकिन इसके लिए असेसमेंट की जरूरत होगी, लेकिन अंदाजा ये है कि ये इनकी शख्सियत का हिस्सा है और इनको जो है खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए जाहिर है कि एक बिहेवियरल जो है ना ट्रीटमेंट की जरूरत है।